नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत 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 ही बढ़िया होगी। और आज का ब्लॉग है अकॉर्डिंग टू माय होम स्ट्रेटनिंग, क्योंकि मैं आगे भी दिखाया था कि मैं घर पे स्ट्रेटनिंग करती हूँ। तो आप मेरे बाल देख सकते हो कैसे हो चुके हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा वेव्स आ चुके हैं। तो बस उसी के अकॉर्डिंग आज स्ट्रेटनिंग करेंगे घर पर ही। तो बिफोर और आफ्टर का लुक भी मैं आप सभी को दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। के लिए चाहिए हमें शैम्पू, कंडीशनर, ये कैरेटीन का जो है उसके साथ कैरेटीन प्लस से मैं हर बार लोरियल का करती हूँ, बट इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट लिया है। तो ये दिनों दो क्रीम है, उसके बाद ड्रायर और स्ट्रेटनिंग और ग्लोज। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि चाहिए स्ट्रेटनिंग के लिए। भी मेरे जो हेयर है वो वॉश हो चुके हैं, अब मैं उसको ड्राई कर लूँगी। और ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं सामने रख के नहीं करी, तो उसका भी रीज़न है कि मेरा ट्राईपॉड जो है वो बिगड़ चुका है और कोई ट्राईपॉड नहीं पड़ा हुआ है। सो उसके चलते अब दिक्कत आएगी, तो ऐसे ही मुझे शूट करना पड़ेगा। तो चलो ऐसे ही शूट करते हैं, आज ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। चलो तो फटाफट से मैं ड्राई होके मिलती हूँ। फाइनली मेरे हेयर जो है वो ड्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो कितने झाड़ू जैसे हो गए। तो अब वापस से अच्छे हो जाएंगे ऐसी होप करती हूँ, और फटाफट से एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ। ये क्रीम और ये रहे मेरे ग्लोज, इसके जो पीछे आती है वो मेरे पास नहीं है, और अब ऐसा टाइम नहीं है कि मैं जाके लेके आऊँ। तो बस फटाफट से मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे करके ये जो पतली पतली स्ट्रैप्स है ना, तो उसमें ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन लेके एक वन बाय वन अप्लाई करते जाऊँगी, आप देख सकते हो। तो बस इसी तरीके से करते जाऊँगी, और आगे भी मैंने किया हुआ है वो वाला वीडियो भी देखना और ये वाला वीडियो भी देखना कि कौन से में एक अच्छी साइन आती है। तो चलो फटाफट से मैं ये भी कर लेती हूँ कंप्लीट और मिलती हूँ। एप्लीकेशन जो है जो वो पूरा हो चुका है, मैंने हर जगह पर आप देख सकते हो अप्लाई कर दिया है। अब मैं उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ दूँगी, और 10 से 15 मिनट बाद चेक करने के बाद उसको वॉश आउट कर दूँगी। मेरे हेयर वॉश हो चुके हैं, और आप देख सकते हो कैसे मैं नितर रही हूँ, जैसे नहा ही लिया हो। तो अब उसको फटाफट से ड्राई करते हैं, और ड्राई करते टाइप लेते हैं। फाइनली मैंने ड्राई कर लिए हैं, अब बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं। अब बारी आती है आयनिंग की, तो बस वो भी मैं फटाफट से अब कर लूँगी, क्योंकि यार टाइम बहुत हो चुका है, ऐसे ही 3 बज चुके हैं। तो मैं आयनिंग को भी अब स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं इसमें मिनिमम तो नहीं रख रही, मैं 160 डिग्री सेल्सियस रख रही हूँ, और लगेगा ज़रूरत तो शायद ही बढ़ाऊंगी, पर मैं इतनी टेम्परेचर पर करूंगी। तो बस वही स्टार्ट कर देंगे। तो कैसे करना है, तो उस दिन मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो उसके लिए मैं अच्छे से सूट नहीं कर पाई थी, तो वही क्लिप मैं वापस से डाल रही हूँ कि आप कैसे करें। तो स्ट्रेटनर को आप अपने हेयर जैसे है उस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर लीजिए, हाई लो। अगर आपके हेयर ज़्यादा वेवीज वाले हैं तो आप थोड़ा टेम्परेचर हाई रखिए, और आपके हेयर नॉर्मल चाहिए आपको तो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रखिए। लाइक मैंने रखा था उस टाइम में 160 और 180, मैं दो टेम्परेचर पर उस टाइम कर रही थी। अगर फिर बल्क पे थोड़ा ले लेके करोगे तो फिर उस हिसाब से रखना पड़ता है, पर आप पहले जो लोगे वो इतनी इतनी स्ट्राइक होगी, और आप देखना आपका फेस ईश्वर होगा और आपके हेयर ईश्वर। उसके बाद आपको इसके यहाँ से पकड़ के 1, 2, 3, 4 बार करना है, और उसके बाद उसको नीचे खींच लेना है। इसके बाद उसको आप कॉम के ऊपर ले लेना, क्योंकि गर्म होगा तो आपको जलने की डर रहता है। तो वापस से उसको ऐसे करके फिर ऐसे करके आप कर सकते हो। तो आप ऐसे करके पूरा जो पोर्शन है उसमें आपको करना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने हेयर ले सकते हो, इतने इतने करके ही आपको करना पड़ेगा, तभी अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से होगा। अब तो आप देख सकते हो हेयर्स मेरे कितने अच्छे से स्ट्रेट हो गए हैं। और दूसरी बात, ऐसा करने में अगर आपके हेयर्स वेवी वेवी वजह से हो जाए, तो उस टाइम में आप क्या कीजिएगा कि फिर आपका जो टेम्परेचर है उसको कम कर दीजिएगा, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, आप वहाँ से ये प्रोसेस को स्टॉप कर दीजिए। और टेम्परेचर कम कर दोगे तो भी शायद ये प्रोसेस ये नहीं होगा, वरना आपके बाल जो है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। बट मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप हो सके उतना एक्सपर्ट के पास करवाइए, और आपको पूरी नॉलेज आ जाए, उसी के बाद खुद से घर पे ट्राई कीजिए।
तो मैं मिलती हूँ ये सारे बाल खत्म करके। फाइनली स्ट्रेटनिंग इज डन, आप देख सकते हो। तो आयनिंग जो है वो डन हो चुकी है, अब थर्ड वाला स्टेप है तो वो प्रोसीड करना है अभी मुझे। और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया है यही सारे पूरे करने में, तो आप देख सकते हो। अब इसमें से मैंने बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं रखी है, तो मे बी नेचुरल हो गए या पूरी स्ट्रेट हो गए वो तो 2 दिन के बाद ही पता चलेगा जब मैं फाइनल वॉश आउट करूँगी। तो बट अभी के लिए ये रिजल्ट्स है जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बताना आप कैसे लग रहा है। और मेरे आईज़ के नीचे के कुंडाले दिखने लग गए, अब स्ट्रेट होते ही लुक चेंज हो गया मेरा। तो कैसे लग रही हो कमेंट करके ज़रूर से बताना, और फटाफट से मैं सेकंड वाला एप्लीकेटर है वो भी लगा दूँ। तो न्यूटिलाइजर भी निकाल लिया है और उसे भी अब पैर में अप्लाई कर दूँगी, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। फाइनल रिजल्ट तो आउच 3 के बाद ही पता चलेगा, तो मैंने स्ट्रिक नहीं आप रखते तो आउच हो गया। तो मिलते हैं ये सब खत्म करने के बाद। फाइनल वाला जो एप्लीकेशन है वो भी लग चुका है और 15 से 20 मिनट के बाद वॉश आउट हो जाएगा। ये हेयर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है और आपने बहुत सारे वीडियोस में मुझे देख भी लिया गया, पर उसका मैं एंड शूट करना भूल गई थी। उसके बाद मुझे कोई भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको एंड रिजल्ट्स दिखा सकूँ, तो मैंने सोचा कि चलो फाइनली अब मैं आपको दिखा दूँ। तो ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, और हर बार की तरह मैंने ज़्यादा स्ट्रेट नहीं किए हैं, बट आप डिफरेंट देख सकते हो बिफोर आफ्टर में। तो ये था इसका फाइनल रिजल्ट। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।